में पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा जो विरोध के स्वर हैं वो बलूचिस्तान से उड़ रहे हैं। यहाँ बलूचिस्तान से बड़ा अपडेट आप जानिए, विरोध के सुर के आगे बलूचिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तानी संसद में बवाल की स्थिति भी देखी गई है। पाकिस्तान की संसद में विपक्ष ने किया है जोरदार हंगामा। बलूचिस्तान को लेकर विपक्ष ने शहबाज सरकार को घेरा है। संसद में विपक्ष ने शहबाज सरकार से कुछ तीखे सवाल भी पूछे। विपक्ष ये पूछ रहा है शहबाज सरकार से कि आखिर बलूचिस्तान में लोगों के साथ ये अत्याचार, ये नाइंसाफी हो क्यों रही है। बलूचिस्तान जहां पर बलूच लोग जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, विरोध प्रदर्शन लंबे वक्त से चल रहा है और ये जो प्रदर्शन है वो अपनी आज़ादी की मांग को लेकर है। वो प्रदर्शन जुल्म ज्यादती के खिलाफ है और ऐसे में टेंशन में अब पाकिस्तान सरकार आ गई है। जुल्म के खिलाफ बलूचिस्तान के लोगों ने हल्ला बोल दिया है। पाकिस्तानी सेना और बलूच प्रदर्शनकारी आमने सामने आते हैं, जख्मी भी होते हैं, जान भी जाती है, लेकिन बावजूद इसके ये प्रदर्शन रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे। कहना उनका ये है कि अधिकारों के लिए हम लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। संसद में विपक्ष ने शहबाज सरकार से भी तीखे सवाल पूछ लिए, यानी बलूचिस्तान में जो प्रदर्शन का मामला है, जो विरोध के सुर हैं, वो अब पाकिस्तानी संसद के भीतर भी उठ रहे हैं और विपक्ष शहबाज सरकार से तीखे सवाल पूछ रहा है कि आखिर बलूचिस्तान में ये हालात कैसे हुए और इन हालातों को कैसे सुधारा जा सकता है। खबर इस बीच ये भी है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के चीफ ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के पहले अख्तर मेंगल ने सरकार पर बड़ा हमला बोला और हमला बोलते हुए कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान का सरकार से भरोसा जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अख्तर मेंगल ने और भी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार को बलूचिस्तान की जनता का कोई ख्याल ही नहीं है। एरिया वाइज सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, यहाँ आवाम जो है वो सबसे कम है, यानी कि जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ बेसिक सुविधाओं का अभाव है, यहाँ अत्याचार और नाइंसाफी बहुत ज़्यादा लोगों पर की जाती है, जुल्म के इंतहा है। और ऐसे में बलूचिस्तान में लोग जब सड़कों पर आए और महिलाओं को उसमें देखा गया तो ये साफ हो गया कि ये जो विरोध के सुर हैं ये अभी दबने वाले नहीं हैं। रह रहकर ये जो विरोध हो रहा है मुश्किलें बढ़ा सकता है पाकिस्तान सरकार की, क्योंकि बलूचिस्तान में इस प्रदर्शन को लंबा वक्त हो गया और अब ऐसे में बलूचिस्तान के लोग ये कह रहे हैं हमें पूरी तरह से आज़ाद कर दो, हमें पाकिस्तान सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि फौज के नाम पर पाकिस्तानी सेना जब वहां पर जाती है तो उल्टा आम लोगों पर अत्याचार होता है, आवाम पर वार किए जाते हैं, बेवजह बेगुनाह लोगों को मार दिया जाता है और लोगों में जो असंतोष है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है इन हालातों को देखते हुए। इस्तीफे से पहले अख्तर मेंगल ने सरकार पर बोला तीखा हमला और कहा कि बलूचिस्तान का सरकार से पूरी तरह से भरोसा खत्म हो गया है, क्योंकि सरकार को बलूचिस्तान की जनता का कोई ख्याल नहीं। इस बीच अपडेट ये भी कि मौलाना फजल उर रहमान ने भी संसद में सरकार को घेरा है। बलूचिस्तान के मुद्दे पर फजल उर रहमान का सरकार पर हमला सामने आया। मौलाना फजल उर रहमान का शहबाज सरकार पर हमला, वो कह रहे हैं बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करने का जो परिणाम है वो गंभीर होगा। ग्रुप बनाकर हाथों में रॉकेट लॉन्चर लेकर घूम रहे हैं लोग, यानी कि जो खतरा है वो बढ़ रहा है वक्त के साथ में। ग्रुप बनाकर हाथों में रॉकेट लॉन्चर लेकर घूम रहे हैं लोग, आप समझिए कि हालात क्या होंगे। अगर वाकई ऐसा है, ग्रुप बनाकर हाथों में रॉकेट लॉन्चर लेकर अगर लोग घूम रहे हैं, इसका मतलब जान की परवाह नहीं है, इसका मतलब विरोध की जो अग्नि है वो और ज़्यादा धधकती हुई भड़कती हुई नजर आ रही है। और यहाँ सीधे तौर पर पाकिस्तान सरकार पर एक और वार किया गया, पूछा गया मौलाना फजल उर रहमान की तरफ से कि आखिर बलूचिस्तान के मुद्दे पर सरकार सोचती क्या है। शहबाज सरकार पर यह हमला कि बलूचिस्तान को जो नज़रअंदाज अभी किया जा रहा है, क्योंकि जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो बेसिक अधिकार हैं, वो भी बलूचिस्तान में लोगों के पास में है नहीं। ऐसे में पाकिस्तान सरकार पर अनदेखी का आरोप लगातार वहां पर लंबे वक्त से लोगों के जरिए हो रहा है और अब चर्चाएं इस बीच बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी हैं कि 1971 में जो हुआ था, पाकिस्तान से अलग हटकर टूटकर बांग्लादेश बना था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान टूटेगा फिर से और बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। राकेश कुमार सिंह इसको लेकर मेरे साथ में जुड़ गए हैं, मैनेजिंग एडिटर इनपुट, मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल भी मेरे साथ में जम्मू से जुड़े हुए हैं। अब जो हालात इस वक्त बने हुए हैं अजय, यहाँ पाकिस्तान सरकार चौतरफा घिरी है, पाकिस्तानी सेना
जो सेना कम और यहाँ आतंक मचाती हुई ज्यादा नजर आती है। बलूचिस्तान में जो विरोध की अग्नि है वो लगातार धधकती हुई नजर आ रही है। ऐसा क्यों है कि इन दिनों ये चर्चा बहुत तेजी से फैल रही है कि जो 1971 में हुआ वो अब फिर से होने वाला है पाकिस्तान में? ये है कि अगर आप देखें तो पिछले काफी समय से, जब से इमरान खान सरकार की थी उसके बाद तख्ता पलट हुआ, शहबाज शरीफ जो है वो सत्ता में आए, तब से अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जगह नहीं रुके हैं, तो वो आम लोगों के प्रदर्शन है, आम लोगों का रोष है, जिनको लेकर पाकिस्तान में कभी गौर नहीं किया गया। और गौर कैसे करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई सी किसी की चलती है तो वो पाकिस्तानी सेना की चलती है, ISI की चलती है। वो अपने घर को संभालने से ज्यादा भारत में या बाकी अन्य जगहों पर टेरर फैलाने में ज्यादा फोकस रहते हैं। वो पैसा जो आता है आम लोगों की सहूलियत के लिए, उनके देखरेख के लिए, उसके बजाय अब वहाँ पाकिस्तान जो है इस चीज पे गौर करता है कि कैसे भारत में जो है लोगों का कत्लेआम किया जा सके। तो सोचिए ये जब होगा तो क्यों नहीं होगा। दूसरी तरफ आप देख लें, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में लगातार आतंकी हमले हो रहे थे, BLA के पाकिस्तानी सेना पर हमले हो रहे थे, लगातार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बुरा हाल है लोगों का, वो भुखमरी से दो चार हो रहे हैं, महंगाई से दो चार हो रहे हैं। और उसके विपरीत अगर भारत में या जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो यहाँ लगातार ग्राफ ऊपर जा रहा है, यहाँ पे चीजें बेहतर हो रही है, अनाज सस्ता है, खाने पीने के सामान से लेकर लोगों के इलाज तक मुफ्त सुविधाएं जो है वो सरकार अगर कर रही है, तो वहां पे जो लोग दिख रहा है तो वो विरोध लोगों का आखिरकार क्यों नहीं होगा। और उसी विरोध के चलते पाकिस्तान में अब एक बार फिर लग रहा है कि जो हालात 1971 में हुए थे वो वहां पर वापस देखने को मिलेंगे। और शहबाज शरीफ की सरकार कब तक चलेगी, पाकिस्तान नेशनल असेंबली का क्या हाल होगा, अगले कुछ समय में ये जो है वो तय हो जाएगा। अब राकेश, जिस तरह के हालात अभी अजय जिक्र भी कर रहे हैं, देखिए एक तरफ तो POK है, पाक अधिकृत कश्मीर, जहां पर लोग सड़कों पर आकर तिरंगा हाथ में इनफैक्ट लेकर ये कहते हैं नेता चाहिए मोदी जैसा, अगर नहीं हो पा रहा है तुमसे तो भारत में विलय हमारा कर दो, हमें इन सब बंदिशों से आजादी चाहिए, हमें अपने बेसिक अधिकार चाहिए जो हमारे अधिकारों के दायरे में आता है। इधर बलूचिस्तान, जहां पर लोग लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं और जब महिलाएं इस प्रदर्शन का नेतृत्व करने लगे, महिलाएं बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन का हिस्सा हो जाएं, तो आप क्या समझें, क्या वाकई पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे? राकेश, देखिए रचना, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सड़क पर तो विरोध प्रदर्शन हो ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जो बुधवार का दृश्य रहा वो सबसे महत्वपूर्ण है, और उसका जिक्र करना महत्वपूर्ण होगा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को लेकर जो जोरदार हंगामा हुआ और बड़े नेताओं और सांसदों ने सरकार पर इससे जुड़े हुए तीखे सवाल पूछे और हालातों को बेहतर करने के उन्होंने कहा कि सरकार, शहबाज शरीफ सरकार न तो बलूचिस्तान को और न ही वहाँ के लोगों को गंभीरता से ले रही है और नहीं उसको उसका ध्यान हालातों को ठीक करने को लेकर है। और ऐसी स्थिति में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के चीफ अख्तर मेंगल ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि बलूचिस्तान का देश की सरकार पर से भरोसा खत्म हो चुका है, क्योंकि सरकार को उनका ख्याल नहीं है। अख्तर मेंगल ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में से कोई भी बलूचिस्तान के हालात को सुधारना ही नहीं चाहते हैं, ऐसा लगता है कि सरकार का यहां से कोई लेना देना नहीं है। पाक संसद में जमीते उलेमा इस्लाम फजल के चीफ मौलाना फजल उर रहमान ने भी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को मुद्दे पर सरकार को घेरा और उन्हें सीधे तौर पर कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां के लोग ग्रुप बनाकर हाथों में रॉकेट लॉन्चर लेकर घूम रहे हैं। तो ये स्थिति है पाकिस्तान की, और जो स्थिति अगर है, अगर ये लंबे समय तक जारी रहती है तो पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंटने वाला है। रचना, ये पाकिस्तान कई टुकड़ों में टूटेगा बटेगा, लेकिन अजय अगर एरिया वाइज देखें, पाकिस्तान जो चार प्रांतों में बटा है, बलूचिस्तान एरिया वाइज सबसे बड़ा है, आबादी के लिहाज से अगर देखें तो आबादी यहाँ सबसे कम है। क्या यही सब रीजन है कि लोग यहाँ बसते नहीं, और अगर यहाँ पर कम संख्या में भी लोग हैं तो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं कि शायद उनकी आवाज को सुन लिया जाए, शायद उन्हें उनके बेसिक अधिकार मिल जाए?
सबसे बड़ा प्रांत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का पड़ता है और वहाँ के लोगों की हालत जब देखें तो वो बेहद से बदतर होती चली गई। इसीलिए वहाँ के लोगों ने कहा कि आप आ कहने को तो सरकार पाकिस्तान की है मगर जब बात यहाँ पर कुछ करने की आती है तो कुछ नहीं, तो इसीलिए लोगों ने कहा कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि चीन के वहाँ पे चीन वहाँ पर जो सीपेक का कॉरिडोर बनाने का प्रयास कर रहा है वो चाहिए चीन यहाँ को इन्वेस्टमेंट करे क्योंकि ये इलाका हमारा है, पाकिस्तान इस पे कुछ नहीं करेगा, चीन इस पे कुछ नहीं कर सकता, हम खुद इसे संभालेंगे, हमारा अलग देश होगा। इस चीज को लेकर लगातार बलूचिस्तान में आवाज उठती रही मगर पाकिस्तान ने क्या, जिसने आवाज उठाई उसको अगवा कर दिया गया, उसको मार दिया गया, उसको दफन कर दिया गया। जब कोई वहां पर प्रदर्शन हुए तो उनको बेरहमी से मारा गया। जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की हालत देखे तो महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ अत्याचार और उनको घर से युवाओं का अगवा करके ले जाना, फिर वापस नहीं लौटते वो लोग। जब इस तरह के हालात वहां पर लोग देख रहे हैं तो आप सोचिए कि लोगों के लिए इसके अलावा और क्या ऑप्शन होगा। और आज अगर नेशनल असेंबली में पाकिस्तान की इस मुद्दे को उठाया गया है तो उसके पीछे की वजह है क्योंकि उन्हें वोट तो लोगों ने देने हैं। जब लोगों की वेलफेयर नहीं हो पा रही, जब आप समर्थन सरकार बनाने के लिए दे रहे हो, लोगों को कुछ मिल नहीं पा रहा, तो ऐसे में इसका विरोध होना तय है। और जैसा राकेश जी ने कहा कि पाकिस्तान आके टुकड़े बांग्लादेश के बाद जो है दो हुए थे मगर अब कितने होंगे वो देखना होगा। पाकिस्तान की कब्जे वाला कश्मीर जो है वो भारत का है, उसे भारत लेगा। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका जो है वहां पर BLA आज से नहीं पिछले कई सालों से अपनी जंग लड़ रहा है आजादी की, वो हासिल करेगा। और इसी लिए पंजाब का जो प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है वहां पर भी लोग बेहद खुश नहीं है। सिंध और पंजाब में पाकिस्तान में अगले आने वाले समय में क्या होने वाला है ये पाकिस्तान इसके बारे में सोच नहीं रह सकता। और आपको बताऊं कि चीन को खास तौर पे जब से पाकिस्तान ने इन्वॉल्व किया है, उसकी बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट वहां पे करवाई है, उसके बाद चीन को उसने फंसा तो लिया है मगर इसका खामियाजा भी पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा क्योंकि अपनी भुखमरी की हालत के लिए चीन से जितना कर्जा पाकिस्तान ने लिया है वो और ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में होने वाला है। अब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि प्रदर्शन यहाँ पर तेज हो गए, प्रदर्शन पाकिस्तान सरकार के लिए बड़ा सरदर्द है, राकेश आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान सरकार खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है या फिर ये जो प्रदर्शन रह रहकर उठ रहे हैं या ये जो विरोध की अग्नि भड़क रही है ये मानो बारूद का ढेर है जिस पर पाकिस्तान सरकार बैठी और न जाने कब ये विस्फोट हो जाए? देखिए पाकिस्तान के जो टॉप लीडर है या जो आर्मी है तो उसका ध्यान जो है इन चीजों पर होना चाहिए लेकिन उसका ध्यान जो है भारत में आतंकवाद फैलाना इन तमाम चीजों पर, तो ये एक बड़ा मसला है। और जिस तरह से जो संसद का जो दृश्य है पाकिस्तान का वो उससे साफ तौर पर बयां कर रहा है कि आखिरकार पाकिस्तान के हुक्मरान कितनी बेचारगी में है। बलूचिस्तान के बिगड़ते हालात की तरफ जिस तरह से जो दृश्य दिख रहा है कि लोग जो है वहां के हाथों में हथियार लेकर वसूली करने निकल जाते हैं और उन्हें वहां पर अगर सरकार सच में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालात को सुधारना अगर सुधारना चाहेगी तो ये लेकिन आने वाले समय में अगर इसी तरह से स्थिति रहता है तो पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो है निकलने वाला है, जो दृश्य है वो साफ तौर पर इसकी ओर इंगित कर रहा है रचना। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि जो आम आदमी है वो त्रस्त है, आम आदमी परेशान है, बेरोजगारी वहां पर चरम पर है, महंगाई चरम पर है, तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार आम आदमी की बात नहीं करती है, आम आदमी को जो है वहां पर जिस तरह से अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में स्थिति आने वाली है कि पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंटेगा। और इसी का जिक्र चाहे मौलाना फजलुर रहमान हो या बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो नेता हो जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, उन्होंने साफ तौर पर इस बात किया कि अगर पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के स्थानीय नेताओं को नजरअंदाज किया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और ये प्रदेश ये एरिया जो है पाकिस्तान के हाथ से निकलने वाला है। संसद और इन इलाकों में मचे बवाल के देखते हुए ऐसे कयास लग रहे हैं कि कहीं पाकिस्तानी सरकार के हाथों से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा निकल न जाए।
जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान निकल ना जाए, अजय ऐसा लग रहा है कि लगभग लगभग तो निकल ही गया है, आउट ऑफ कंट्रोल तो है यहाँ चीजें, चाहे बलूचिस्तान हो पीओके हो। देखिए रचना, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जिस तरीके से लगातार वहां पर आतंकी हमले हो रहे हैं, आप सोचिए एक एक बार में 100-100 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो बनाई गई है वहां पर जो लड़ाके हैं उनके द्वारा मारे जा रहे हैं, तो उसका मकसद बड़ा साफ है, इसका मतलब बड़ा साफ है कि वो लोग किसी भी हालात में पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान को वहां पर देखना नहीं चाहते। यही वजह है कि रोज प्रदर्शन होते हैं, यही वजह है कि वो साफ कहते हैं कि हमारे इलाके से आपकी मूवमेंट हमें नहीं चाहिए, पाकिस्तान का नाम यहाँ नहीं दिखना चाहिए। यही वजह है कि वो चाहते हैं कि चीन चाहे सीपैक में जितना मर्जी पैसा यहाँ लगा चुका है, अगर चीन का हस्तक्षेप होगा तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसीलिए आप सोचिए पुलिस स्टेशन से लेकर आर्मी के कैंप, आर्मी की पेट्रोल पार्टीज, वहां पर आर्मी की जो मूवमेंट होती है उसको टारगेट करने का जो सिलसिला चल रहा है वो सीधा इशारा करता है कि ये अब खतरनाक आने वाले दिनों में और हो जाएगा। और इसके पीछे की वजह है उनके पास, इसके पीछे की वजह साफ ये है कि वो सीधे तौर पर चाहते हैं कि वहां पर पाकिस्तान नहीं चाहिए, चीन नहीं चाहिए, उन्हें आज़ादी चाहिए है। और ये हिस्सा पाकिस्तान से बेहद जल्द कटने वाला है। अभी तक जो तस्वीर दिख रही थी वो सड़कों पर दिख रही थी, वो अब पाकिस्तान की संसद में अगर पहुंची है तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि वहां पर अब जो शहबाज शरीफ की सरकार है उसको आने वाले दिनों में और चीज़ों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ जो नब्ज़ है उस नब्ज़ को पकड़ने के लिए BLA जो हमले कर रहा था वो ठीक है, मगर पाकिस्तान की संसद में आवाज़ पहुँचानी है तो उसका तरीका उन्होंने ढूंढा और वहाँ पाकिस्तान नेशनल असेंबली में वो बात पहुँच चुकी है। जो जिस तरीके से इस चीज़ को उठाया जा रहा है वो साफ दिखाता है कि एक बार बलूचिस्तान में अगर बगावत शुरू हो गई, सांसदों ने कह दिया कि ये ठीक नहीं होगा, तो आप ये सोचिए कि आने वाले समय में पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हो या फिर गिलगित का इलाका, वहां पर भी इसी तरह के परिणाम पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ नतीजे भुगतने पड़ेंगे, राकेश मुझे लोकसभा इलेक्शंस याद आ रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन में मुझे बड़े चेहरों के जरिए किए गए वादे याद आ रहे हैं कि POK जल्दी भारत में विलय हो जाएगा और इसके लिए टाइमलाइन भी दी गई थी। अब ऐसे में अगर पाकिस्तान के खंड खंड होने की खबर है तो क्या अखंड भारत का सपना इसे हम कह सकते हैं? सही कहा रचना, क्योंकि जिस तरह से जो पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति है वहां पर आए दिन जो विरोध प्रदर्शन होता है, सेना का जिस तरह से वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है लोगों को, उनके खिलाफ उनकी आवाज को कुचला जाना, वहां पर बेरोजगारी, वहां पर महंगाई, ये तमाम चीजें हैं जो आम आदमी को रोजमर्रा की जो वस्तुएं चाहिए वो उपलब्ध नहीं है, रोजगार चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आप देखिए जो भारत के जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर की हालात देखिए, कितने लोग जो हैं अपने आप, और ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि लोग जो हैं अपने आप जो हैं भारत में विलय करने के लिए उनकी ओर से लगातार कोशिश ऐसे वहां पर अंदर खाने चल रही है, लेकिन पाकिस्तानी सेना जिस तरह से वहां पर कत्लेआम, जिस तरह से आंदोलन को कुचला जा रहा है, लेकिन जो स्थिति है पाक अधिकृत कश्मीर की बद से बदतर है, और ये ज्यादा समय नहीं है कि भारत को ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, जो स्थितियां हैं वो आने वाले समय में इस ओर इंगित कर रही हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर के जो वासी हैं, जो निवासी हैं, लोग हैं जो पाकिस्तान ने गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है, वो यानी किस पॉसिबिलिटी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं राकेश, जो है किस पॉसिबिलिटी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, क्योंकि हाथों में तिरंगा तो ऑलरेडी लोगों के है। राकेश अच्छा आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं अजय का रुख कर लेती हूँ। अजय ये जो हालात अभी देखे हैं हमने, लगातार विरोध प्रदर्शन के होना, हम तो अपनी फौज का कितना सम्मान करते हैं, हमारे बिल्कुल सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं हम अपने फौजियों को, लेकिन पाकिस्तान में ठीक उल्टा है, सेना की वहां पर कोई इज्जत कोई सम्मान नहीं, सेना का अपने लोगों के बीच में आ जाना मानो कि आतंक को ले आना, मानो कि जुल्म ज्यादती को ले आना।
देखिए रचना, एक चीज़ बड़ी साफ है, भारत में अगर कोई सेना में जाता है तो उसका मतलब बड़ा साफ है कि वो देश सेवा के लिए जा रहा है। भारत में अगर कोई सेना में जाता है तो उसका मकसद होता है कि देश के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। मगर वहीं अगर आप पाकिस्तान में चले जाएं तो वहां पर सेना इसलिए जानी जाती है कि महिलाओं के साथ प्रताड़ित करने के लिए, वहां इसलिए जानी जाती है कि युवा अगर कोई आवाज़ उठाता है, कोई प्रोटेस्ट होता है तो उन युवाओं को अगवा कर लिया जाता है, चाहे वो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हो, चाहे वो गिलगित हो, चाहे वो बल्चिस्तान हो। एक तरफ हमने कुछ ही समय पहले की तस्वीरें आपको याद होंगी रचना, जब भुखमरी से मर रहे लोगों के लिए वहां पर अनाज नहीं था और महंगाई जो है वो लगातार आसमान छू रही थी, तो लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया कि उन्हें आटा दे दीजिए, उन्हें चावल दे दीजिए, उस वक्त हुआ क्या, पाकिस्तान की सेना ने उन पर गोलीबारी की। तो सोचिए वहां पर लोगों की जो लोग जो हैं वो किस तरीके से या किस चीज को लेकर पाकिस्तानी सेना की इज्जत करेंगे। इज्जत उसकी होती है जो देश सेवा के लिए जुटा हो, जो आम लोगों की सेवा के लिए जुटा हो, उसके पीछे की वजह यह है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर की बात राकेश जी जो कर रहे थे, क्योंकि मैं उस चीज को बताना चाहूं, आप सोचिए कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पिछले 35 सालों में पाकिस्तान ने क्या किया है। वहां के युवाओं को बजाय नौकरी देने के, वहां की महिलाओं को बजाय ऊपर लाने के, महिलाओं के लिए या फिर बच्चों को वहां शिक्षा देने के लिए पाकिस्तान ने अगर कुछ किया तो पाकिस्तान ने वहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार किए, युवाओं को आतंक के लिए जम्मू कश्मीर भेजा, भारत भेजा और बंदूक हाथ में थमा दी और यहां पर आकर सुरक्षा बलों के साथ मुकाबले में वो मारे गए, आतंकी ट्रेनिंग कैंप वहां पर शुरू किए गए। जम्मू कश्मीर में आपको बताऊं कि पिछले कुछ ही सालों में करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो आई है इंडस्ट्री के जरिए, मगर वहां टेरर इंडस्ट्री चलती है जहां अगर कोई उसे ज्वाइन करता है, उसमें काम करता है तो उसको मौत मिलनाता है। ये जब पाकिस्तान लोगों की लिए सोचता है, पाकिस्तानी सेना अगर उसके लिए सोचती है, तो फिर पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के लिए कैसे सोचेंगे। और इसीलिए जो इस तरह के प्रदर्शन का नेतृत्व करती हुई नजर आती है, एक महिला जब सड़कों पर आ जाए तरह के प्रदर्शन का नेतृत्व करे तो चूल्हे हिला देने वाली बात है ये पाकिस्तान सरकार के लिए। और अब तो संसद के भीतर इसकी चर्चा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आप सोचिए कि जिस भी व्यक्ति को, जिस भी शख्स को जब वहां पर अपनी आवाज उठानी पड़े, तो देखिए भारत में क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब है कि आपको कोई तकलीफ है, आप कुछ चाहते हैं तो उसके लिए आप आवाज उठा सकते हैं, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप अपने हकों के लिए लड़ सकते हैं। मगर पाकिस्तान में ये राइट नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप आवाज उठाते हैं तो उसका मतलब है कि आप, पहली आवाज उठेगी तो जेल पहुंचेंगे, दूसरी आवाज उठेगी तो आपको मौत मिलेगी। ये है पाकिस्तान की असलियत और यही वजह है कि आज पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान हो, चाहे वो बलूचिस्तान का इलाका है, चाहे वो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। और आपको याद होगा जब चुनाव होने वाले थे, इमरान खान सत्ता में थे और जब उनको लग रहा था कि अब उनका अंतिम समय आ चुका है, उनको उखाड़ फेंका जाएगा, तो तब पाकिस्तान के इस्लामाबाद से भी कई प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ था। आपको ये भी याद होगा कि जब इमरान खान की सत्ता पलट होनी थी, शहबाज शरीफ को जब सत्ता में लाना था, तो इमरान खान का जब चिट्ठा निकाला गया तो पता चला कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री अब हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए के घपले कर दिए, उनको जो सरकारी चीज़ें थी उनको बेच दिया गया। आप तोशाखाना का मामला देखिए, आपने कई कितने मामले जो हैं इमरान खान पर देखे हैं। अभी कुछ समय पहले एक खबर आई थी, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के पूर्व ISI चीफ जो हैं उनको हिरासत में ले लिया गया, किस लिए, क्योंकि उन्होंने करप्शन किया था, करोड़ों रुपए का घपला वो कर गए थे। तो ये हालात जब पाकिस्तान के जैसे देश में होंगे तो वहां लोगों की परवाह किसको होगी। हर उस जर्नल पर, पाकिस्तानी सेना के जर्नल का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे जो रिटायर हो चुके हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई मामला होगा और वो कभी भी वहां पर रहकर नहीं जीना चाहते हैं, वो उसके बाद हमेशा विदेश चले जाते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, ताकि वो अपनी जिंदगी गुजार सकें ऐशो आराम से, क्योंकि पैसा तो उन्होंने वहां पर रहकर बहुत बना लिया होता है। मगर वहीं भारत को देखेंगे तो यही स्वार्थ, यही हुक्मरानों का जो स्वार्थ है, ये पाकिस्तान को खा गया, पाकिस्तान को निगल गया। और अब हालात ऐसे हैं कि रोजी रोटी का संकट है, दो वक्त की रोटी तक एक बड़े तबके को वहां मिल नहीं पा रही है। और ऐसे में जो प्रदर्शन है वो लगातार पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं। कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में टूटकर बिखर जाएगा पाकिस्तान। 1971 में जो हुआ वो फिर से दोहराने वाले हैं। अजय जांडियाल, राकेश कुमार सिंह, आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए।